नमस्कार दोस्तों, रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 18 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों, यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक था, जहां आखिरी गेंदों पर 13 गेंदों पर 29 रन चाहिए थे, लेकिन इससे पहले आंद्रे रसल और पेट कमिंस का तूफान देखने को मिला। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी ने इस मुकाबले को चेन्नई के पक्ष में बनाए रखा। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले में जीत दर्ज की है और किस तरह की बल्लेबाजी की है आंद्रे रसल और पेट कमिंस ने। पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो दोस्तों देखते रहें वीडियो को पूरा आखिर तक। और साथ ही आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और साथ ही साथ आप भी चेन्नई सुपर किंग्स की इस धमाकेदार जीत से खुश है तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। तो चलिए दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले को जानते हैं पूरे विस्तार से। तो दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस जीता कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान इयान मॉर्गन ने और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। महेंद्र सिंह धोनी की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उनका यह फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। महेंद्र सिंह धोनी की टीम की तरफ से यानी कि चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और फेफ डू प्लेसिस ओपनिंग के लिए उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही काफी आक्रामक बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। ऋतुराज गायकवाड़, जो कि इस आईपीएल में अब तक अपनी फॉर्म खो चुके थे, वो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और एक बार फिर अपनी फॉर्म हासिल की। तो वहीं पर फेफ डू प्लेसिस ने भी काफी आक्रामक बल्लेबाजी की। दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 115 रनों की साझेदारी की 12.2 ओवर में। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में पहला विकेट गंवाया, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने 42 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए मोइन अली ने भी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की। मोइन अली और एक बार फिर फेफ डू प्लेसिस के बीच 50 रनों की साझेदारी हुई, जिसमें मोइन अली ने मात्र 12 गेंदों पर 25 रन जोड़े, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं पर इसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने भी अच्छा कोमियो खेला। मात्र 8 गेंदों पर इन्होंने भी 17 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। फेफ डू प्लेसिस के साथ मिलकर महेंद्र सिंह धोनी ने भी 36 रनों की साझेदारी की, जिसमें 17 रन जोड़े। लेकिन इसके बाद फेफ डू प्लेसिस एक छोर पर टिके रहे और वो अपने शतक के बिल्कुल नज़दीक रह गए। 95 रनों की नाबाद पारी के लिए, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। तो वहीं पर रविंद्र जडेजा ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम के स्कोर को 220 रनों तक पहुँचाया। वहीं पर इस 221 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत काफ़ी खराब रही और दीपक चहर के कहर में पूरी टॉप ऑर्डर KKR का बिखर गया। बात करें नीतीश राणा की, तो वो सिर्फ 9 रन बनाए तो सुमन गिल अपना खाता भी नहीं खोल पाए। राहुल त्रिपाठी 8, इयान मॉर्गन 7 और सुनील नारायण 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। एक समय टीम ने 31 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद एक बार फिर आंद्रे रसल ने कोलकाता नाइट राइडर्स की वापसी कराई। तो साथ ही साथ दिनेश कार्तिक ने भी शानदार साथ दिया उनका और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी की, जो कि काफ़ी आक्रामक थी। आंद्रे रसल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक के बाद ऐसा लग रहा था कि अब आंद्रे रसल यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर पारी पड़ेंगे, लेकिन तभी यहाँ पर टीम को सफलता दिलाई सैम करन ने। सैम करन की एक गेंद को आंद्रे रसल छोड़ना चाह रहे थे और वो गेंद जाकर लगी स्टंप पर और एक बड़ा विकेट यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को मिला, जो कि इस मुकाबले का मैच चेंजिंग विकेट था। लेकिन दोस्तों, मैच यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद थोड़ी देर के लिए छोर दिनेश कार्तिक ने संभाला। आंद्रे रसल ने 22 गेंदों पर 54 रन बनाए, तो वहीं पर दिनेश कार्तिक ने 24 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली। इसके बाद बारी थी यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स से गेंदबाजों की, ये मुकाबला खत्म करेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ और पेट कमिंस ने काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू की। उन्होंने यहाँ पर सैम करन के एक ही ओवर में 30 रन ठोक दिए, जिसके बाद यहाँ पर टीम को ले जीत बड़ी आसान नज़र आने लगी थी कोलकाता नाइट राइडर्स को, क्योंकि क्रीज पर इतना आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे पेट कमिंस। लेकिन यहाँ पर लगातार विकेट गिरते गए एक छोर से, जिसके चलते यहाँ पर आखिरी 2 विकेट रन आउट हुए और चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले को बेहद ही शानदार तरीके से 5 गेंदें शेष रहते हुए 18 रनों से जीत लिया और कोलकाता की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। लेकिन दोस्तों, पेट कमिंस ने नाबाद 34 गेंदों पर 66 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल थे। एक समय दोस्तों KKR को 13 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत थी, लेकिन यहां पर लगातार 2 खिलाड़ी रनआउट होने के चलते यह मुकाबला उनके हाथ से निकल गया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से CSK की जीत का हीरो कौन है, हमें कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।